फिर आप सोशल मीडिया पे देखते होगे, आपके फ्रेंड्स बोलते होगे भाई मैं ट्रेडिंग करके घर बैठे बैठे बहुत अच्छा खासा इनकम कर लेता हूँ, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ 5-10 मिनट का मैं काम करता हूँ और अच्छे तरीके से मैं पैसा कमा लेता हूँ, सिर्फ घर बैठे बैठे सिर्फ अपना लैपटॉप या मोबाइल से मैं ट्रेड कर लेता हूँ। तो बहुत सारे लोगों का मन में सवाल रहता है भाई ये ट्रेडिंग होती क्या है, जो बिगिनर है कैसे स्टार्ट करेगा। आज के वीडियो के थ्रू मैं यही सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मेरा नाम अंश केसरवानी है, मैं पिछले 2 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं डेली अपने प्रॉफिट लॉस जो भी होता है मैं शेयर करता हूँ, तो आप सभी लोग मुझसे बिल्कुल अच्छे तरीके से ट्रेडिंग सीख सकते हो इस वीडियो के थ्रू बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जी वो पूरा लास्ट तक देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, 2 साल के एक्सपीरियंस की चीजें मैं आपको बता। चलिए गाइस मैं आपको समझाता हूँ ये ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे करते हैं। ट्रेडिंग हम लोग कहाँ पे करते हैं गाइस? ट्रेडिंग हम लोग स्टॉक मार्केट में करते हैं। तो ये स्टॉक मार्केट क्या होता है? स्टॉक मार्केट गाइस एक प्लेस है जहाँ पे बहुत सारी कंपनियां होती है, जैसे टाटा कंपनी है, रिलायंस है, जियो है, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हैं। वही स्टॉक मार्केट के जो शेयर्स होते हैं गाइस उसी शेयर में हम लोग ट्रेड करते हैं, उसी को हम लोग ट्रेडिंग बोलते हैं। अब ये शेयर क्या होता है, जैसे कंपनी मान लीजिए मेरी अंश केसरवानी की कंपनी, कंपनी का वैल्यू 1 लाख रुपए है, पर मैं उस कंपनी का हिस्सेदारी किसी को देना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं 1 लाख रुपए का वो दे दूंगा उसको मैं शेयर मतलब एक पार्ट के रूप में उसको दूंगा। तो ठीक है मान लीजिए 1 लाख रुपए मेरी कंपनी की वैल्यू, तो मैंने मान लीजिए 1,000 शेयर लॉन्च कर दिए अपने कंपनी के, तो मतलब एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी 100 रुपए। ठीक है आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सरल भाषा में मैं आपको समझा देता हूँ ट्रेडिंग क्या होता है, उसके बाद मैं आगे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। आई होप आपको ये शेयर मार्केट समझ में आ गया, वो स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट एक प्लेस है जहाँ पे बहुत सारी कंपनियां होती है, ठीक है जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, और कंपनियां के शेयर्स होते हैं, शेयर्स मतलब उनके पार्ट्स होते हैं जो बहुत सारे लोग बाई सेल डेली करते हैं, उसी को हम लोग ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है गाइस आप समझ सकते हो ट्रेडिंग क्या होता है। ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म में हम लोग करते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग बाई और सेल स्टॉक्स पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग इंडेक्सेस में ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, बहुत सारे लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं, ये सब पार्ट होते हैं ट्रेडिंग के, मैं भी उसके बारे में बताऊंगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बहुत सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है, उसके बाद मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में पूरा अच्छे से जानकारी दे रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, आपको बहुत सारी चीजें अच्छे समझ में आएगी। एकदम शुरुआत से इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कंप्लीट गाइड हो। और गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा ये अपने चैनल के थ्रू से मैं पॉडकास्ट रन कर रहा हूँ पूरा ट्रेडिंग बेसिक टू एडवांस तक, तो ये एपिसोड 2 है, एपिसोड 1 ऑलरेडी मैंने डाल दिया है कि ट्रेडिंग से कैसे पैसा कमा सकते हैं, तो वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, आई बटन आपको लिंक मिल जाएगा। तो हाउ स्टॉक मार्केट वर्क, ठीक है स्टॉक्स कैसे वर्क करते हैं। देखिए जब कोई कंपनी आती है स्टॉक मार्केट में तो उसको आईपीओ लेकर आना होता है। आईपीओ मतलब क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मान लीजिए मेरी एक कंपनी है अंश केसरवानी, मान लीजिए मैंने एक कंपनी अपनी लॉन्च कर दी, उसका वैल्यू मैंने रखा है 1 लाख रुपया है, मैं चाहता हूँ अपने कंपनी को ग्रो करना, मैं किसी से पैसे लेकर चाहूँ तो ग्रो कर सकता हूँ और उसको कुछ हिस्सा दे दूँ, पर मैं नहीं चाहता कि मेरा कंपनी में कोई मेजर हिस्सेदार हो, मैं पब्लिक से पैसा लेकर और उसको ग्रो करना चाहता हूँ। ठीक है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, स्टॉक मार्केट में आऊंगा। स्टॉक मार्केट में कहाँ जाऊंगा, किसके पास जाऊंगा, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करवाने के लिए आपको स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करवाने के लिए एनएससी या बीएससी के पास जाना होगा। ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज होते हैं जहाँ पे बहुत सारी कंपनियां के शेयर लिस्ट होते हैं, इन्हीं का काम होता है शेयर को लिस्ट करना, फिर आपका भी कंपनी वहां पे दिखेगा, फिर लोग वहां पे पैसा लगा सकते हैं आपकी कंपनी में। ठीक है तो जैसे मैं आपको समझा रहा था कि मैं सिंपली क्या करूंगा, एनएससी के पास जाऊंगा और यहाँ पे बोलूंगा कि भैया मेरा अंश केसरवानी नाम की कंपनी मैंने बनाई है और मुझे मेरा जो कंपनी का वर्थ है मान लो 1 लाख रुपए है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, तो इसका मैं आपके यहाँ लिस्ट करना चाहता हूँ। एनएससी वाला बोलेगा ठीक है भैया जो भी प्राइस वगैरह लेगा लिस्ट करवाने के लिए वो दे दिया जाएगा, तो हम मैं क्या करूंगा आईपीओ लेकर आऊंगा। ठीक है अंश केसरवानी नाम से आईपीओ लेकर आऊंगा और आईपीओ में यहाँ पे लॉन्च कर दूंगा और यहाँ पे फिर पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक को ये बीडिंग करना पड़ेगा आईपीओ में कि शेयर, जैसे मैंने कुछ बीडिंग प्राइस रख दूंगा शुरुआत में कि मेरी कंपनी मेरे से एक शेयर की वैल्यू मान लो मैं 10 रुपए रखना चाहता हूँ या 20 रुपए या 100 रुपए, ऐसे हिसाब से मैं शेयर की वैल्यू रख दूंगा, उस हिसाब से लोग वहाँ पे परचेस करेंगे और ऐसे धीरे धीरे लोग परचेस करेंगे तो क्या होगा गाइस वहाँ पे वो स्टॉक होल्डर्स बन जाएंगे, ऐसे क्या मेरी कंपनी बड़ी होगी और मुझे लोगों से पैसा मिलेगा, वो पैसा यूज करके मैं क्या करूँगा अपनी कंपनी को ग्रो करूंगा। और जब मेरी कंपनी ग्रो होगी मान लीजिए 10 रुपए में शेयर खरीदा था, तो मेरी कंपनी जब ग्रो होगी तो शेयर का वैल्यू भी बढ़ेगा, तो वो लोगों को पैसे प्रॉफिट होगा, मतलब 10 रुपए वाला शेयर 100 रुपए चला गया तो लोगों को 10 रुपए का यहाँ पे फायदा होगा। ठीक है इसी को जो आप देख रहे हो जो 10 रुपए से ये 100 रुपए के बीच
जा रहा है गाइस, यही को हम लोग ट्रेडिंग बोलेंगे। ये 100 रुपए से 10 रुपए के बीच में हम लोग जो करेंगे, जो प्राइस यहाँ पे चेंज हो रहा है उसी के बीच में हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे। ये तो लॉन्ग टर्म का प्रोसेस बताया मैंने, इसी को जो चीज हम करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, इसी को हम लोग ट्रेडिंग बोलते हैं। ट्रेडिंग इज अ बिजनेस जिसको हम स्टॉक मार्केट में करते हैं स्मॉल टाइम के लिए। किसी शेयर को मैं स्मॉल टाइम के लिए खरीदता हूँ और उसको फिर सेल कर देता हूँ, ऐसा नहीं बहुत दिन के लिए उसको रखना है। नंबर 2, ट्रेडिंग जब हम लोग करते हैं तो इसमें बेनिफिट हमको क्या मिलता है, हमको लेवरेज मिल जाता है, या बोल दो हमको लोन मिल जाता है 5 गुना का, जो हमको कौन देता है, हमारा ब्रोकर देता है। ब्रोकर क्या होता है उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। मान लीजिए मेरे पास 10,000 रुपया है तो मैं 50,000 रुपए का ट्रेडिंग कर पाऊंगा, और जिससे मैं 50,000 रुपए पे लॉस प्रॉफिट कर पाऊंगा, ये होता है ट्रेडिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत सरल भाषा में आपको समझाया, मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में भी आपको समझाने की कोशिश करी, ठीक है। चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ, एनएससी बीएससी भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बीएससी में सेंसेक्स आता है, एनएससी का निफ्टी होता है, ये भी आपको पता होगा, निफ्टी 50 का नाम सुना होगा, बैंक निफ्टी का नाम सुना होगा, ये सब एनएससी में आते हैं, और बीएससी का सेंसेक्स आता है। आई होप आपको इसके बारे में भी आगे जब हम लेक्चर्स करते जाएंगे, एपिसोड निकालते जाएंगे, तो आपको मैं बताता जाऊंगा। देखिए गाइस, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि स्टॉक मार्केट जो चलता है उसको उसमें क्या रहता है, बहुत सारे लोग फ्रॉड वगैरह भी करते हैं, तो ये सारी चीजों को कौन मैनेज करता है, सेबी मैनेज करता है। इसके बारे में भी आपको जानकारी होना जरूरी है, इस वजह से मैं आपको पूरा बेसिक जब कर देना। तो सेबी क्या होता है गाइस, सेबी जो है स्टॉक मार्केट में जो फ्रॉड वगैरह करते हैं वो सारी चीजों का निगरानी करता है, हमारी सेफ्टी के लिए पूरा सेबी काम करता है। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सारे लोगों को कमेंट करना है, उन सारे लोगों को हर्ट मिलेगा हमारी तरफ से। पढ़ सकते हो सेबी का क्या एक्टिविटी है पूरा, ये क्या करते हैं स्टॉक मार्केट में कोई बेमानी तो नहीं कर रहा है, फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, ये सारा चीजों का इसका ध्यान रखना है, सिक्योरिटी के लिए हमारे ये सेबी होता है। चलिए गाइस, मैं आपको फर्दर आपको एक अच्छे से जानकारी देता हूँ पॉइंट्स वाइज की ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है। तो मैंने क्या बताया था कि देखिए गाइस, आईपीओ आएगा, आईपीओ आएगा तो आईपीओ मतलब कि मैं जब कंपनी लॉन्च करूंगा तो उसमें क्या करूंगा, शेयर्स की बिडिंग होगी, लोग उसमें पैसा लगाएंगे, पैसा लगाने के बाद मेरी कंपनी जब ग्रो होगी तब जाके वो लोगों का प्रॉफिट होगा, उससे वो लोग क्या करेंगे मुनाफा कमाएंगे, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं इन्वेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है, सिंपल सा। पर यही ट्रेडिंग में क्या बोल रहा था कि जैसे मान लो मेरी कंपनी का प्राइस 10 रुपया है, और 10 रुपए से मेरी कंपनी कितना प्राइस जा रहा है, मान लो 1 साल है 2 साल में 10 रुपए वाली कंपनी 100 रुपए हो गई, पर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे मान लो 15 रुपए पे शेयर खरीदे, एक वही दिन खरीदे और वही दिन मेरी कंपनी का प्राइस मान लो 20 रुपए आ गया, हम उसी दिन बेच दिए, इसी को हम ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमको क्या मिलता है, 5 गुना तक मार्जिन मिल जाता है, मतलब हमारा ब्रोकर जो है हमें 5 गुना ज्यादा पैसा देता है कि आप ट्रेड कर सकते हो। मान लो इनसे आपके पास 5,000 रुपया है तो आप 25,000 रुपये की ट्रेडिंग कर पाओगे, आपके पास 10,000 रुपये है तो आप 50,000 रुपये की ट्रेडिंग कर पाओगे, तो 50,000 रुपये पे आपका प्रॉफिट या लॉस होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग ट्रेडिंग बोलते हैं। तो ट्रेडिंग को चलो मैं आपको पॉइंट्स वाइज भी समझा देता हूँ, यहाँ पे वैसे तो मैंने लिखा है पर आप यहाँ पे देख सकते हो। इन्वेस्टिंग इट इज अ लॉन्ग टर्म अप्रोच, ठीक है। इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म अप्रोच का मतलब ये 1 महीना 3 महीना 6 महीना 1 साल, ठीक है, वो इन्वेस्टिंग हो जाएगा। और ट्रेडिंग क्या है गाइस, इट इज अ शॉर्ट टर्म अप्रोच, ठीक है। शॉर्ट टर्म अप्रोच मतलब 1 दिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते ये ट्रेडिंग होता है। अब ट्रेडिंग के भी बहुत टाइप्स होते हैं, ये नीचे वाले स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस हमको ज्यादा जरूरी है ट्रेडिंग सीखने के लिए। चलो टेक्निकल एनालिसिस का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस में क्या आता है, कैंडल स्टिक मतलब चार्ट आते हैं, चार्ट आपको देखना आना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस आना चाहिए। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हर एक चीज को आपको इन डिटेल बहुत सरल भाषा में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिसके आपकी हेल्प मैं कर पाऊँ अच्छे तरीके से और मैं आपको समझा पाऊँ अच्छे तरीके। ट्रेडिंग में हमको टेक्निकल एनालिसिस पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है, पर इन्वेस्टिंग हम लोग करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, मतलब कंपनी में प्रॉफिट कितना हुआ, कंपनी का लॉस कितना हो रहा है, बैलेंस शीट क्या है, ये सारी चीजें हमें देखना रहता है, ठीक है। इन्वेस्टिंग में तो ट्रेडिंग के बहुत तरीके के टाइप्स होते हैं, जैसे सबसे फेमस ट्रेडिंग क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग। देखो इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग होता है जो ट्रेडिंग हम सिर्फ 1 डे के अंदर खत्म कर देते हैं। जैसे मान लो आज मंडे का दिन है तो आज मंडे के दिन ही मैं ट्रेड करूंगा और सेम डे ही ट्रेड को खत्म कर दूंगा, उसे हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। अब इंट्राडे ट्रेडिंग से भी एक छोटा ट्रेडिंग होता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, ठीक है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होता है कि हम लोग सिर्फ छोटे टाइम में ट्रेड करते हैं, मतलब मान लो 1 घंटा मेरे पास है तो मैं 1 घंटे के अंदर कुछ ट्रेड करके पैसा कमा के मार्केट से निकल जाऊंगा, उसको हम लोग स्कैल्पर बोलते हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट्स मार्केट में कैप्चर करके पैसा कमाते हैं उसको हम लोग स्कैल्पर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे बगल में आप पढ़ सकते हो,
यहाँ पे क्या चाहिए ट्रेडिंग करने के, व्हाट यू नीड, डिसिप्लिन चाहिए आपको, फ्लेक्सिबिलिटी, टाइम कमिटमेंट चाहिए, यहाँ पे डिसीजन अच्छा होना चाहिए, बिग कैपिटल होना चाहिए, यहाँ पे बिग टाइम चाहिए आपको, टूल चाहिए स्कैल्पिंग करने के लिए। उसके बाद गाइस आता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होता है, आप बोल सकते हो मोर देन वन डे, जो ट्रेडिंग हम एक दिन से ज्यादा के लिए करते हैं उसको हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। इसमें आपको क्या होता है, आपको पूरा पैसा लगाना पड़ता है, जो इंट्राडे से थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे मैंने आपको बताया था जो इंट्राडे ट्रेडिंग हम लोग करते हैं, यहाँ पे आपको 5x का मार्जिन मिल जाता है जो हमारा ब्रोकर देता है। मान लो आपके पास 10,000 रुपीज है, आप 50,000 रुपीज से आप ट्रेड कर पाओगे। पर स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है, स्विंग ट्रेडिंग में अगर आपके पास 10,000 रुपया है तो आप 10,000 रुपये का ट्रेड कर पाओगे। अभी मैं ब्रोकर के डीमेट अकाउंट पे दिखाऊंगा अभी कैसे स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में डिफरेंस होता है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मोर देन वन डे के लिए जो करते हैं वो स्विंग ट्रेडिंग होता है, इसमें आपको मार्जिन वगैरह कुछ नहीं मिलता। पोजीशन ट्रेडर भी वही सेम टू सेम होता है। अब यहाँ इसको आप बस सिंपल से बोल सकते हो, आप 1 मंथ के लिए कर रहे हो या 1 ईयर तक कर रहे हो, तो इसको आप पोजिशनल ट्रेड बोल सकते हो, ठीक है। और सिस्टमेटिक ट्रेडिंग होता है, सिस्टमेटिक ट्रेडिंग मतलब कि जो कोई स्ट्रेटजी वाइज ट्रेड करते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको आगे से सारे पूरा लेक्चर ही बना दिया, पॉडकास्ट बना दिया, बस आराम से बने रहना, आराम से आपको सारा चीजें मैं समझाने का ट्राई करूंगा। देखिए जब हम लोग ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को एक रिक्वायरमेंट होता है डीमेट अकाउंट का, ठीक है। योर फर्स्ट स्टेप टू इंटर इन द स्टॉक मार्केट, ठीक है। आपको ओपन डीमेट अकाउंट, तो आपको डीमेट अकाउंट ओपन करवाना होता है। तो चलिए मैं आपको डीमेट अकाउंट बताता हूँ, ये डीमेट अकाउंट क्या होता है और कैसे आप लोग इसको ओपन करोगे, सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। ये डीमेट अकाउंट होता क्या है, देखिए मैं आपको यहाँ पे डीमेट अकाउंट के बारे में बता देता हूँ, ये आप पढ़ सकते हो पढ़ना चाहो तो, बाकी मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। डीमेट अकाउंट क्या होता है गाइस, डीमेट अकाउंट एक अकाउंट होता है जहां पर हम अपने शेयर्स को स्टोर करते हैं। जैसे मेरा आप लोगों का एक सेविंग अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट जो बैंक में ओपन करते हैं जिसको बचत खाता बोलते हैं। मान लो मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया है, तो वो 10,000 रुपये कहाँ पर हम लोग डिपोजिट करते हैं, अपने सेविंग अकाउंट में। सेम टू सेम जो डीमेट अकाउंट होता है, मान लो मैं 10 लाख रुपए का शेयर खरीद रहा हूँ, तो आपका कहाँ पे डिपोजिट रहेगा गाइस, डीमेट अकाउंट में। इस वजह से हम लोग डीमेट अकाउंट को ओपन करना होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डीमेट अकाउंट क्या होता है। डीमेट अकाउंट और जगह है जहाँ पर हमारे जो शेयर हम लोग बाई सेल करते हैं वहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है, वो हमारा डीमेट अकाउंट होता है। आप यहाँ पे पूरा अच्छे से पढ़ सकते हो, आप स्क्रीन शॉट भी इसका ले सकते हो। और ट्रेडिंग अकाउंट भी होता है हमारा, वही डीमेट अकाउंट के साथ साथ हमारा ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन हो जाता है जहाँ पर हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग बड़ा सवाल आता है कि डीमेट अकाउंट ओपन कहाँ पे करें, कौन से जगह ओपन करें और कैसे ओपन करें, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो आप सभी लोग डीमेट अकाउंट हमारे थ्रू पेटीएम मनी में ओपन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। साथ में आपको एक वीडियो भी मिल जाएगा नीचे कि कैसे डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, कौन सा ब्रोकर है। देखो ब्रोकर भी होता है, ब्रोकर के बारे में बता देता हूँ। ब्रोकर वो होता है जो डीमेट अकाउंट का मालिक होता है, उसको हम ब्रोकर बोलते हैं। तो इसमें फायदा क्या मिलेगा, आप पेटीएम मनी में अगर हमारे थ्रू अकाउंट ओपन करते हो लिंक से, तो आपको क्या सबसे पहले यहाँ पे चार्जेस बहुत कम लगेंगे, मात्र आपको 15 रुपीज का चार्जेस देना पड़ेगा, बाकी जगह आपको 20 रुपए से ज्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे। नंबर टू, आपको हमारी तरफ से पूरा गाइडेंस मिलेगा, एक ग्रुप में भी एड कर दिया जाएगा जिसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ। अकाउंट ओपन करने जाओगे गाइस तो हमारे लिंक से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, तो आपको हमारे एक प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दिया गया जो ये ग्रुप है। यहाँ पे आपको पूरा लर्निंग्स दिया जाएगा, ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा कमा सकते हैं उसके बारे में भी बताया जाएगा। देखिए यहाँ से बहुत सारे लोग हमारे साथ ये रेगुलर अर्न करते हैं, देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे डेली पैसा अर्न कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ बिल्कुल डीमेट अकाउंट ओपन करना, लिंक से कूपन कोड रामी यूज करना, आपको इस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ से आप डेली अर्निंग कर सकते हो। और पेटीएम मनी बेस्ट ब्रोकर है, मैं भी इसी का यूज करता हूँ, ठीक है। आई होप आपको डीमेट अकाउंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको आगे समझाता हूँ कि मार्केट के बारे में थोड़ा सा गाइडेंस करता हूँ कि मार्केट ओपन कब होता है, और सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बेसिक पूरा कवर कर दूंगा, फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। हमारा मार्केट का टाइमिंग होता है, मैं आप उसके बारे में बता देता हूँ। जो हमारा मार्केट का टाइमिंग होता है, सुबह 9 बजे मार्केट ओपन हो जाता है और शाम के 3:30 बजे मार्केट हमारा यहाँ पे बंद हो जाता है, ठीक है। तो हमारा स्टॉक मार्केट 9 बजे से 3:30 बजे तक ओपन होता है, और 9 बजे जो 9 बजे ओपन होता है, 9 बजे से 9:08 तक ये प्री मार्केट रहता है। प्री मार्केट का मतलब कि उसमें हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते, हम स्टॉक मार्केट देख सकते हैं कि कहाँ पे ओपन होने वाला है। मार्केट समझ लो टाइम देता है हम लोगों को कि 7-8 मिनट देखिए मार्केट ओपन कहाँ पर हो रहा है, उसके बाद हम लोग ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो 9 बजे ओपन हो जाता है मार्केट हमारा, 9:08 पे प्री मार्केट सेशन खत्म होता है, और 9:15 से हम लोग ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट कर सकते हैं अपना, और 3:30 बजे तक कर सकते हैं पूरा ट्रेडिंग, ठीक है। तो
9:15 से 3:30 बजे तक हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। मार्केट जो है 9 बजे ओपन हो जाता है। ये 15 मिनट का गैप हम लोगों को दिया जाता है मार्केट में एनालिसिस करने के लिए, समझने के लिए कि आपके लेवल्स मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है, तो आप वो सारी चीजें आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये 15 मिनट प्री मार्केट सेशन होता है। उसके बाद जब मार्केट बंद होता है तो उसको पोस्ट मार्केट बोलते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, 3:30 बजे के बाद ये होता है। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, 3:30 से 4 बजे के बीच ये हो जाता है और उसको पोस्ट मार्केट आप बोल सकते हो। ठीक है, और ट्रेडिंग में जो है एवरी वीकेंड पे हॉलीडे रहता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता, सैटरडे संडे के दिन हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट बंद रहता है और साथ में ग्लोबल मार्केट भी, सारे सारे दुनिया के मार्केट्स जो हैं अब बंद रहते हैं एक्सेप्ट क्रिप्टो। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन वाला हमेशा खुला रहता है, वो कभी नहीं बंद होता। ठीक है, और बाकी यहाँ पे मैं हॉलीडे लिस्ट भी दिखा दे रहा हूँ, जो हमारा ऑफिशियल एनएसई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, उसका ऑफिशियल स्टॉक लिस्ट देख लीजिए, हॉलीडे लिस्ट 2023 में कब हुआ। और फर्दर ये हमेशा ये सब पैटर्न होता है, 26 जनवरी को बंद रहेगा, 15 अगस्त को बंद रहेगा, मेजर मेजर डेज पे बंद रहता है। ये सारा हॉलीडेज का लिस्ट है और सैटरडे संडे के दिन हमारे स्टॉक मार्केट बंद रहता है। ठीक है, आई होप आपको ये हॉलीडे और ओपनिंग वगैरह सब कुछ समझ में आ गया होगा। सुबह 9 बजे ओपन हो जाता है मार्केट, 3:30 बजे खत्म होता है, 9:15 से हम लोग ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं और 3:30 बजे तक ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ये हॉलीडे वाला भी मैंने आपको बता दिया, सैटरडे संडे हॉलीडे रहता है। चलिए, अब बिगिनर्स के लिए मैं आपको बताता हूँ कि बिगिनर्स कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, उनको क्या क्या जरूरत है। बिगिनर टिप्स फॉर स्टार्ट ट्रेडिंग। ठीक है, डे ट्रेडिंग मतलब वही ट्रेडिंग करना, इंट्राडे ट्रेड करना, मतलब सेम डे बाई करके खत्म कर दे। तो आपको क्या चाहिए, आपको कंप्यूटर या लैपटॉप चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल से भी कर सकते हो, उसके बारे में भी आपको वीडियोस के थ्रू बताया जाएगा, पर कंप्यूटर और या लैपटॉप रहेगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ट्रेडिंग करना। ठीक है, आपको क्या चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए जो ठीक ठाक चलता हो, और आपको एक ब्रोकर चाहिए, जैसे मैंने आपको बता दिया ब्रोकर क्या है, पेटीएम मनी है, डीमेट अकाउंट उसी को ब्रोकर बोलते हैं, तो आप उसमें अकाउंट बना लेना, लिंक आपको दे दिया गया है, वीडियो भी नीचे दे दिया गया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही होगी तो आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मैं लगा दे रहा हूँ, उस नंबर पर आप जाके मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपको पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको एक लैपटॉप या मोबाइल चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, एक डीमेट अकाउंट चाहिए, और शुरुआत में 5 से 10 हज़ार रुपया या 2-4 हज़ार रुपया चाहिए, छोटा सा कैपिटल चाहिए स्टार्ट करने के लिए, या चाहो आप बिना कैपिटल से भी स्टार्ट कर सकते हो पेपर ट्रेडिंग करके। सारी जानकारियां मिल गई होगी, तो हिट लाइक बटन, गाइस बहुत मेहनत लगती है वीडियोस को क्रिएट करने में, तो लाइक का बटन दबाओगे तो समझ में आएगा। अगर 500 लाइक से ज्यादा करते हो तो और वीडियोस बहुत जल्दी जल्दी लेकर आऊंगा। तो मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ। आज सक्सेसफुल ट्रेडर स्टार्ट एज ए बिगिनर, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड स्टे डिसिप्लिन। देखिए, ट्रेडिंग में एक जो गेम है बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन और प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। मैं आपसे चाहता हूँ, आप अपनी जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हो तो ये कभी मत सोच के आना ये रिच क्यू की स्कीम है, मैं तुरंत पैसा बना लूंगा, एक दिन में पैसा डबल कर लूंगा। ये सारी चीजें आप हटा कर सिंपल से प्रोसेस को ध्यान दो। जैसे हम लोग कॉलेज में जाते हैं, डिग्री लेते हैं, 4 साल टाइम देते हैं, तो यहाँ पर भी आप कुछ टाइम दीजिए, उसके बाद पैसा बनना स्टार्ट हुआ तो आप इतना ज्यादा यहाँ से अर्न कर सकते हो जिसका कोई लिमिट नहीं है। बस यही है कि आपको स्टार्टिंग फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्टार्टिंग सही तरीके से नहीं करोगे तो आपको फिर बहुत दिक्कत आने वाली है। ठीक है, एवरी वन जो स्टार्ट कर रहा है वैसा आपको प्रोसेस और ट्रस्ट डिसिप्लिन से स्टार्ट करिए, इसी वजह से मैंने यहाँ पर ये डाला है। ठीक है, आपको एक दिन में पैसा यहाँ पे ना सोचो कि मैं बहुत ज्यादा कमाऊंगा, आपको धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी यहाँ पे ग्रो करना है, उसके बाद आप कंपाउंडिंग जैसे ये काम करेगा। तो अब यहाँ से चलिए मैं आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे चलता हूँ, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग फॉर लिविंग, अपना घर चलाने के लिए ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें, मतलब सिंपली पैसा कमाने के लिए। तो मैं ट्रेडिंग आप स्टार्ट करोगे तो आपको पैसे की जरूरत होती है, इस वजह से मैंने पैसा यहाँ पे लगा दिया है। तो ट्रेडिंग एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको पैसा चाहिए होता है, हर एक चीज के लिए आपको पैसा लगता है, तो ट्रेडिंग में तो हर जगह ही पैसा का ही है। तो आपको स्टार्टिंग में मिनिमम 5 से 10 हज़ार रुपए से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप 100 रुपए से भी, 50 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, पर आपको अगर कमाना वगैरह है सीखने अच्छे से तो 5 से 10,000 रुपीज से आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करिए। उसमें क्या करो, आप डीमेट अकाउंट जो है आप उसमें पैसा ऐड कर सकते हो 5 से 10,000 रुपीज। चलिए, अब मैं आप डायरेक्टली आपको दिखाता हूँ कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ब्रोकर कैसा इंटरफेस होता है, वो सारी चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर पेटीएम मनी का प्लेटफॉर्म है, डैशबोर्ड है जहाँ से आप लोग ट्रेड करोगे, मैं आपको पूरा गाइड करूंगा कि पेटीएम मनी में कैसे ट्रेड करते हैं। एक वीडियो भी मैंने बना के डाली है, तो वो वीडियो का लिंक आई बटन मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हो। मैं आपको यहाँ पे एक टूल बताता हूँ जहाँ पे आप चार्ट एनालिसिस करोगे, चार्ट देखोगे तो कैसे वो देखना है, उसके बाद कैसे काम करना है, वो भी मैं आपको बताऊँ। आपको उस टूल का नाम है ट्रेडिंग व्यू। आपको कुछ नहीं करना है, google.com पर जाना है और आपको ट्रेडिंग व्यू सर्च करना है। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना दिया है, ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट वगैरह कैसे देखते हैं, कैसे अकाउंट सेटअप करना है, तो उसका भी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। उस वीडियो को आप वॉच कर लोगे ना तो आपका ये सिस्टम सही हो जाएगा कि आपको चार्ट वगैरह कैसे, आप ट्रेडिंग व्यू पे जब जाओगे तो यहाँ पे आपको साइन इन करना रहेगा,
कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, साइन इन कर लेना, मेरा ऑलरेडी साइन इन है, और उस वीडियो को देख लेना जिसका आई बटन पे लिंक है। इस तरीके से कुछ आपको चार्ट दिखेगा, इसी चार्ट के थ्रू आपको पैसा कमाना है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। मान लीजिए जैसे रिलायंस की कंपनी में ट्रेड करना, ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपली आऊंगा पेटीएम मनी में, और यहाँ पे सर्च का एक बटन है, तो यहाँ पे रिलायंस सर्च करूंगा तो यहाँ पे रिलायंस आ जाएगा। ठीक है, रिलायंस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ जैसे रिलायंस का चार्ट खुल जाएगा, तो यहाँ पे मैं ट्रेडिंग व्यू वाले पर चार्ट देख सकता हूँ। तो पेटीएम मनी में आप ट्रेडिंग व्यू खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी ट्रेडिंग व्यू का आपको चार्ट मिल जाएगा। देखो यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पे चार्ट मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे रिलायंस के ये 5 मिनट का चार्ट, टाइम फ्रेम क्या होता है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी अगले एपिसोड में। तो बस आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे इसमें मैं रिलायंस में ट्रेड करना चाहता हूँ। रिलायंस का अभी प्राइस कितना चल रहा है, 2550 रुपए। तो मान लीजिए कैसे गाइस इसमें प्रॉफिट होता है ट्रेडिंग में, मैं आपको ये बताना चाहूंगा। मान लीजिए मैंने रिलायंस का यहाँ पर एक शेयर बाई किया, उसका प्राइस यहाँ पर कितना था गाइस, यहाँ पर देखो कितना था, 2500 रुपया था, अभी कितना चल रहा है, 2550 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर 2500 वाला शेयर जो 2550 चला गया, और कितने दिन में गया, सिर्फ ये एक या 2 दिन में, 2 दिन में गया था, 2 दिन में हम लोगों ने 50 रुपया कमा लिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 2500 का शेयर था, 2550 हो गया 2 दिन में, तो हमने 2500 पे खरीदा था, फिर हमने 2550 पे बेच दिया, तो 50 रुपया हम लोगों ने कमा लिया। ऐसे ही ट्रेडिंग में इनकम होती है शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, तब यहाँ पे चलिए मैं आपको बाई करके भी दिखाता हूँ कैसे बाई होता है, और जैसे मैंने आपको बता रहा था कि स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे में क्या डिफरेंस होता है, वो भी मैं आपको यहाँ पे गाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे बाई करने के लिए आएंगे, तो यहाँ पे इन्वेस्ट एक दिखा रहा है, एक यहाँ पे ट्रेड दिखा रहा है। इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है गाइस, इन्वेस्ट का मतलब होता है कोई लॉन्ग टर्म प्रोसेस, इन्वेस्टिंग करना या स्विंग ट्रेडिंग करना। तो यहाँ पर जो शेयर का प्राइस जो है 2550 रुपए है, तो हम लोगों को यहाँ पर भी 2550 रुपए मतलब पूरा पैसा यहाँ पे देने की देना पड़ेगा आपको। ठीक है, पर यहाँ पे ट्रेड पे आ जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 गुना का मार्जिन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 600 रुपए इसका कॉस्ट हो गया, जो ये 2550 रुपया था। ठीक है, तो हमें अभी 2550 देने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 600 रुपया देना है और हमारा यहाँ पे काम हो जाएगा। मतलब कि आप ये बोल सकते हो इस चार शेयर खरीद सकते हैं सिर्फ 3000 रुपया देकर, पर अगर यही हम इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो हमें एक शेयर खरीदने के लिए 3000 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, इसी को हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं, जिसमें हमें ब्रोकर जो है हमें मार्जिन देता है ट्रेड करने के लिए, इसी से हमें प्रॉफिट ज्यादा होता है, क्योंकि हमें 10000 रुपये कैपिटल पे 50000 रुपये का ट्रेड करने का मौका मिलता है। यहाँ पे मुझे अगर इन्वेस्ट करना है, मुझे मान लीजिए 10000 रुपये का शेयर खरीदना है, तो 10000 में सिर्फ मुझे यहाँ पे 4 शेयर ही मिले, तो वहाँ पे इन्वेस्टिंग में मुझे सिर्फ 4 शेयर मिले थे, पर यही मैं अगर आ जाऊंगा तो मुझे 10000 रुपये का यूज करके मुझे यहाँ पर 18 शेयर मिल जाएंगे। तो 18 शेयर से कितना प्रॉफिट हो जाएगा, मान लो 2500 रुपये मैं बाई कर रहा हूँ और 2550 चला गया, तो 50 रुपया एक शेयर में प्रॉफिट हो रहा है। तो 18 × 50 करेंगे तो आपका यहाँ पे डायरेक्ट 900 रुपये का डायरेक्ट प्रॉफिट हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेटर से भी दिखा देता हूँ, 18 × हम लोग कितना करने वाले हैं, 50 रुपीज, एक शेयर पर हमने 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप ये समझ सकते हो कि आप सिर्फ 10000 रुपये का यूज करके 1500 रुपये ट्रेडिंग से आराम से कमा सकते हो। चलिए आपको नेक्स्ट वीडियोज में मैं ट्रेडिंग व्यू के बारे में अच्छे तरीके से बताऊंगा, चार्ट एनालिसिस कैसे करना है, स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होता है, बहुत सारी चीजें अभी मैंने यहाँ पे छोड़ रखी है जो मैं आपको आगे कवर करूंगा। बस आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो को बहुत सारा प्यार करेंगे, सपोर्ट दिखाएंगे, हमें बहुत सारी वीडियोज आप लोगों के लेकर आऊंगा। कमेंट करके बताइए, बहुत सारे 500 लाइक कम से कम कर दीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियोज बनाने में। और सारे लोग पेटीएम मनी में अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कूपन कोड रामीस यूज करिएगा, जिससे वो अकाउंट मेरे अंदर आ पाए, जिससे मैं आप सभी लोगों की अपने ग्रुप के थ्रू हेल्प कर पाऊंगा। ठीक है, मैंने आपको पॉडकास्ट के बारे में बताया, ये सीरीज की जितने भी वीडियो है आपको पॉडकास्ट में मिल जाएगा, हमारे चैनल पर जाइएगा, लर्न कंप्लीट ट्रेडिंग बेसिक टू एडवांस में जाएंगे तो आप पूरे वीडियोस मिल जाएंगे। तो इस वीडियोस को पूरा देखिएगा, वॉच करिएगा, जितने भी आपको वीडियो आएंगे इसी में ऐड होता जाएगा एपिसोड वाइज। ठीक है, और पेटीएम मनी में लिंक से अकाउंट क्रिएट करिएगा, रामीर सिंह कूपन कोड यूज करिएगा, एक लाइक एक कमेंट एक शेयर करिएगा। वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों के लिए प्रैक्टिकल पूरा बताऊंगा।